खरगोन जिले के बड़वार क्षेत्र के देवगढ़ आंगनवाड़ी में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परियोजना अधिकारी निलंबित कर दिया, जिसके विरोध में नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर्मियों ने मोर्चा खोला और महिला कर्मी को पुनः पदस्थ करने की मांग की। बताया जा रहा है कि बड़वाह के पहाड़ी इलाके देवगढ़ आंगनवाड़ी केंद्र पर अनीता वर्मा पिछले 22 वर्षों से पदस्थ है और पंचनामे वाले दिन अनीता फील्ड में बच्चों को NRC में भर्ती करने का काम कर रही थी। इसी बीच अधिकारी ने पंचनामा बनाकर महिला कर्मी को निलंबित कर दिया। इस बात से नाराज महिला कर्मियों ने मोर्चा खोला और कार्यकर्ता को पुनः पदस्थ करने की मांग की है। कर्मियों की माने पहाड़ी इलाके में जाने के अलावा फील्ड में काम करना पड़ता है, ऐसे में इस घटना से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। मुझे नोटिस मिला, मेरे को पता ही नहीं कि नोटिस किस बात के लिए मेरे को दिया गया है। जिस दिन नोटिस दिया उस दिन मैं NRC बच्चे को लेके चली गई थी और मैंने सूचना भी पहले से कर दी थी, फिर भी मेरे को नोटिस दिया गया। और नोटिस दिया गया तो मेरे केंद्र पे मेरा पंचनामा नहीं बनाया गया। मैंने अधिकारी से पूछा भी सही कि मुझे क्यों नोटिस दिया गया, तो उन्होंने बोला कि बोले मेरे पास कोई जवाब नहीं आपको देने के लिए। दूसरे दिन मेरे को सर पद से पृथक कर दिया गया। क्या मांग करते आप? मांग क्या कि काम नहीं करते हो आप बोले, और मेरा क्षेत्र इतना पहाड़ी में है कि मैं ही होके महिला होके नौकरी करती हूँ वहाँ पर। मेरे को 22 साल हो गए नौकरी करके। कहाँ से है आप? देवगढ़ से, ग्राम देवगढ़ में ही मेरा केंद्र। बड़वा तहसील लगती मेरी। क्या चाहते हो आप? मैं तो लगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने 22 साल नौकरी की बहुत परेशानी उठा के की है और अभी भी करना चाहती हूँ। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरी कोई कमी भी थी तो अधिकारी ने मेरे को बताना था। क्या नाम है आपका? अनीता वर्मा। हम यहाँ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सेवा समाप्ति कर दी गई है, तो उसके लिए हम यहाँ कलेक्टर महोदय जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं, उन्हें पुनः मतलब कार्य पर लिया जाए। क्या मामला हुआ सर? मामला ये, वो पहाड़ी क्षेत्र की महिला है और वहाँ से वो NRC में बच्चे को भर्ती करने गई थी और बिना कुछ कारण बताए सूचना करे उसे सेवा समाप्ति का लेटर दे दिया। और जो बाद में पता कर इन्होंने पूछा कि हमें बिना सूचना के कैसे आपने हटा दिया, तो बोले सुपरवाइजर ने साइन करवाई थी। कार्यकर्ता से पूछा तो कार्यकर्ता ये बताती है कि दीदी मैंने तो पढ़ा भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे को कारण बताओ नोटिस दिया गया। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि ये क्या चीज़ है और उससे पहले मेरे को हटा दिया गया। आखिर क्या कमी है मेरी नौकरी में, मेरे कार्य में क्या कमी है जो मुझे हटा दिया गया? जिस रोज उसे पंचनामा बनाया परियोजना अधिकारी द्वारा, घर बैठे बैठे पता नहीं कहाँ बैठ के उन्होंने पंचनामा बनाया, जबकि वो उस दिन कार्यकर्ता NRC में बच्चे को भर्ती करने गई थी। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। परियोजना अधिकारी द्वारा इस तरह का बर्ताव आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सही नहीं है। अच्छे कार्य अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर रही है तो उसकी सराहना करना चाहिए, उन्हें अच्छा कुछ मतलब सम्मानित करना चाहिए। सम्मानित की जगह आप उसे पेट से मार रहे, ये क्या बात हुई? मानदेय को लेकर मानदेय भी बहुत सी हमारी बहनों को यहाँ जितनी आके खड़ी है उससे कहीं ज्यादा और भी बाहर पहाड़ी क्षेत्र में ऐसी बहनें हैं जहाँ ना तो मोबाइल का नेटवर्क चल रहा है, पोषण ट्रैकर में संपर्क ऐप में कार्य कर रही है और धमकियां दी जा रही है कि कार्य अगर नहीं करोगे तो मानदेय नहीं मिलेगा। और इतनी सारी कार्यकर्ताओं को, किसी को 8 महीने से, किसी को 9 माह से मानदेय नहीं मिला गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा अमोदे, प्रदेश संयुक्त महामंत्री। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।